ये गुड़िया को भी लेके आना है। कम यहाँ, कम यहाँ, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, यहाँ यहाँ। खड़ी रहो, खड़ी रहो ना। थैंक यू। किसको? हाँ जी यार, तेरी अरबंदर साबा कैसे लग रहा है? कह रहा चाहिए। मैं बहुत सालों से चाहती थी कि मैं हरमंदिर आऊं, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मैं पंजाब ही नहीं आई थी, और पंजाबियों ने बुलाया भी नहीं कि गाने के लिए आओ, किसी के लिए आओ। खाना हम खिलाते अच्छा। मैंने सुना है कि खाना जितना यहाँ मिलता अच्छा कहीं नहीं मिलता है, और हम सब सोचते थे कि जाएंगे जाएंगे, बुलावा आना चाहिए। उन्होंने बुला लिया, उन्होंने शायद मेरा दुख समझा, मेरी उम्र समझी कि अब इसको आना ही चाहिए, 80 के करीब जा रही है, तो मुझे बुला लिया। मेरे दोनों बच्चों का आज स्कूल, मैंने कल का स्कूल में से निकाल के ले आई, दोनों मेरे ग्रैंडसन को और लड़की को, और बहू बेटे के साथ आई हूँ। ये मेरी पुत्री है, इसको भी लेके। इसी ने कहा कि मैं तुम्हें, गए साल मैंने पूछा था, मैंने कहा मुझे जाना है, तो उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बहुत लोगों ने कहा लेकिन किसी का नहीं हुआ, लेकिन इसने जो कहा था वो बराबर मेरे साथ रही। और मैं क्या कहूँ, जो भी है दुनिया जानती है कि क्या है क्या नहीं है, कितना सब बढ़िया है, लेकिन मुझे सोना चांदी से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं जब अंदर गई, और जब जहाँ पर ग्रंथ साहब है और जहाँ पर कीर्तन हो रहा था, वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि जीवन यही ख़त्म होना चाहिए, बस यही, इसके बाद कुछ जीवन नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, और अभी दिल कर रहा है कि बार बार आऊँ, लेकिन मुझे आने में एक ही तकलीफ होती है कि बहुत लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार की वजह से आज तक हम जिंदा हैं। जो भी गाने वाला कोई भी कलाकार हो, प्यार से ही जिंदा रहता है, तो वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकती, लेकिन आगे पैर बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तकलीफ होती है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे आऊँगी कि जब कोई नहीं हो, इस वक्त तो मैं ज़रूर आऊँगी, और कम से कम अंदर बैठी रहूँगी, मेरा दिल करे जान। मेरा आज बहुत दिल कर रहा था। वैसे मैंने घुटने, जब मेरे पैर का ऑपरेशन हो चुका है दोनों पैरों का, अभी 3 साल पहले, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन आज पता नहीं घुटने मैंने कैसे लगाए नीचे। और मैंने मन में बोला कि आपकी इच्छा कि मैं माथा टेकूं, आपकी इच्छा है तो मेरे घुटने लगेंगे, और घुटने लगे बराबर नीचे, और मैंने माथा टेका। फिर मुझे रोना आ गया कि मैंने कैसे किया, मुझे पता नहीं। मैं घर पे बिल्कुल नीचे पैर ऐसे करके बैठ नहीं सकती हूँ। आज कितने साल हो गए, आज पहली बार मैंने ऐसे घुटने टेके, और मुझे लगा कि हाँ, कोई ताकत है जो कह रही कि करो, तुम कर सकते हो। और अभी मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि मैं, शायद हो सकता है कि मैं ऐसे मरते दम तक गाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दे दी कि तुम कर सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोल नहीं सकती हूँ। यहाँ के जो सब जितने कर्मचारी, यहाँ के जितने भी, जैसे मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और एक एक चीज़ बता रहे थे, तो उससे मुझे हर चीज़ पता लग रही थी कि ये क्या है, कब हुआ, क्या नहीं हुआ।